गाइज वेलकम बैक एंड वेल कंटिन्यू फर्दर। हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म किया, ऑलमोस्ट सब रूल्स देखे, उसे काफ़ी प्रैक्टिस भी की। अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ये चैप्टर के अंदर, ये वो है हमारे पास आइसोमर्स। हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? आइसोमर्स। अभी आइसोमर्स का मतलब क्या है? सबसे पहले आइसोमर्स का मतलब होता है दोज कंपाउंड दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, दोज कंपाउंड दे आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला but they differ in what? They differ in the nature of sequence of bonding, ya to arrangement of atoms or arrangement of atom. This is easier to understand. They have the same molecular formula but differ in arrangement of the atoms or groups in space, usko hum isomers bolte hain. Very simple definition, they have same molecular formula but different arrangement of atoms, देव उसको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक फॉर्मूला है यहां पे C2H6O। क्या है हमारे पास? C2H6O। अभी इसको मैं इस तरीके से भी लिख पाऊंगा, डिटेल में लिखूंगा तो CH3CH2OH, उसके अंदर दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, यू कैन सी दैट, एंड वन ऑक्सीजन, एंड इसका नाम है इथाइल अल्कोहल या थेनॉल। बराबर है कि नहीं? अभी यही फॉर्मूला को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए, CH3CH3O, दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, फॉर्मूला एक ही है बट अरेंजमेंट अलग अलग है। कैन यू सी दैट? उसकी वजह से दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ईथर आ रहा है, इसको हम मिथोक्सी मिथेन के नाम से जानते हैं, या तो डाई मिथाइल ईथर के नाम से जानते हैं। बराबर? ओके, सो इफ देयर इज डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट इन फिजिकल, ये आइसोमर्स के अंदर सिंस दे आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहेगी, स्ट्रक्चर फॉर्म, ओके, ये मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। ओके, ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, हमारे स्टडी में, हमें जो टेक्स्ट बुक स्टडी करवा दिया, वी हैव फ्यू आइसोमरिज्म टू स्टडी। ओके, मेरा असिस्टेंट राइटर गुम हो जाता है, वापिस आता है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेन आइसोमर्स। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? पोजिशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, देन मेटामर्स एंड टोटोमर्स। ये पांच है, और एक है जो हमें पढ़ाई करना है, वो आएगा स्टीरियो आइसोमर्स। मैं आपको ये सब बारी बारी से पढ़ाने वाला हूं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं चेन आइसोमरिज्म। व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडीज? चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म नॉर्मली फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स मतलब दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन अरेंजमेंट, विच वे कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग होगा, विच गिव्स अ राइज टू डिफरेंट चेन आइसोमरिज्म। ओके, उसके अंदर स्पेसिफिकली आपको डिफरेंट लेंथ दिखेगी ऑफ कार्बन आइटम। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ब्यूटेन हैज ए फॉर्मूला C4H10। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, चारों कार्बन को एक ही साथ चेन में जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, व्हाट डू वी कॉल इट, या तो फिर तीन कार्बन को एक साथ लीजिए और एक ब्रांच बना दीजिए, आइसोब्यूटेन, बिकॉज मैंने बताया सेकंड लास्ट पे अगर दो जुड़ते दोस्तों क्या बोलते, बट आप देख रहे हो दोनों के अंदर चेन अलग होगी, इसमें चार कार्बन की चेन थी, इसमें तीन कार्बन की चेन है और एक ब्रांच भी चला गया, वी कॉल देम चेन आइसोमर्स। इसमें डिफरेंस होगा चेन आइसोमर्स में, नॉर्मली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सो यू द चेन आइसोमरिज्म दिखाएगा आपको। नेक्स्ट वाला देख रहा हूं, पेंटेन, क्या दिया है आपको? पेंटेन के ओके तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अभी मैं एक काम करता हूं कि ये यहां पे समझाने की बजाय मैं आपको बताता हूं कि पेंटेन के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। पेंटेन इज C5H12, तो उसके अलग अलग आइसोमर्स कैसे बनाते मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, पेंटेन मतलब पांच, ऐसे लिए सपोज ये पहला आइसोमर बनने वाला, मैंने हाइड्रोजन लगाना, दूसरा आपको क्या करने का मालूम है, 1 2 3 4 मेन चेन में लीजिए और एक को ब्रांच में डाल दीजिए। ओके, तीसरा बनाना है, तीन ही मेन चेन में लीजिए
और ब्रांच में डालिए। इसके तीन आइसोमर्स पॉसिबल है। ओके, समटाइम्स सर्टेन स्टूडेंट आस्क मी, नॉट ऑल, कि सर ये वाला आपने जो ये ब्रांच सेकंड नंबर पे लिया ना हर जगह पे, एक काम करो ना सर, फर्स्ट नंबर पे ब्रांच ले रहे, एक दो तीन, एक ब्रांच यहां पे और एक ब्रांच यहां पे। दिस इज नॉट करेक्ट। याद रखना पहले नंबर पे कभी भी ब्रांच आती ही नहीं है, एंड पे कभी भी ब्रांच होती नहीं है, इट बिकम्स अ मेन पार्ट। एक्चुअली ये चेन ऐसी बन जाएगी, ये जो चेन है ना वो ऐसी बन जाएगी। ओके, एंड वाले कार्बन पे कार्बन की ब्रांच नहीं होती, मेक इट श्योर। ओके, वो तो उंगली सीधी है, खाली उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, वो अभी भी एक ही उंगली है। ओके, आरिकेटिंग में इट्स नॉट वन एंड हाफ। ओके, आरिकेटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो बाद में उसका हाइड्रोजन लगाओ। हाइड्रोजन लगाना काफी इजी है, मैंने सिखाया आपको। एक ही बोलना है CH3, इसको क्या लिखोगे? CH2 CH2 CH3। ओके, सीधी चेन में है तो उसको नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। फिर यहां पे CH3, इसने तीन बॉन्ड बनाए इसलिए CH, ये आइसो बनेगा भाई। सेकंड लास्ट पे दो CH3, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। देन यहां पे CH3, ये कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इट्स अंडरस्टूड, बिकॉज चार बॉन्ड बना चुका है। और इसकी मेन चेन ये लोगे 1 2 3, और 2 पे दो ब्रांच है, 2 2, डाइमिथाइल प्रोपेन। मैंने आईपैक नेम लिखा बेटा, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम लिखोगे तो नियोपेंटेन। बराबर है कि नहीं? So that's the first isomerism which we had seen over here. Okay. और एक चीज अगर आप देखते हो, जो नॉर्मल पेंटेन है उसमें 5 कार्बन की चेन है, आइसोपेंटेन है उसमें 4 कार्बन की चेन है, एंड नियोपेंटेन है उसमें 3 कार्बन की चेन है। सो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन पोजेसेस चेन ऑफ 5, 4 and 3 कार्बन रिस्पेक्टिवली, हेंस दे आर नोन एज चेन आइसोमर्स। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल C4H9OH। ओके, देखो कार्बन की चेन 1 2 3 4, यहां पे कार्बन की चेन 1 2 3 4 नीचे चला गया, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? बराबर है कि नहीं? ये कौन सा हो गया? चेन आइसोमर। व्हाई? बिकॉज इसकी लंबी चेन में 4 थे, इसकी लंबी चेन में कितने कार्बन है? 3। कई स्टूडेंट मेरे पास आके बोलते हैं, सर ये एक लो और दूसरा ये वाला ले ले। तो अगर सर ऐसे ले ले तो इन दोनों को चेन आइसोमर्स बोल सकते हो? आप लोग क्या सोचते हो, चेन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, नंबरिंग यहां से चालू नहीं होती है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था, इन दोनों को चेन आइसोमर्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ओके, वी सेइंग नो। व्हाई? कैन यू एक्सप्लेन टू मी? चेन आइसोमर्स इज बेसिकली डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द चेन। दोनों के अंदर मेन चेन में 4 कार्बन है। ओके, दिस वाइज दे आर नॉट चेन आइसोमर्स। इसके अंदर देखो मेन चेन में 3 ही कार्बन है, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4, चेन तो दोनों की सेम है, फर्क है खाली OH की पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां पे सेकंड पोजीशन पे है, इसको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? पोजीशन आइसोमर, इट्स नॉट चेन आइसोमर, क्योंकि दोनों की चेन इक्वल है, फंक्शन ग्रुप का पोजीशन अलग जगह पे। ओके, दैट वाज एक्चुअली, ओके मैं इसको थोड़ा स्किप कर दिया, रिंग चेन पे मैं बाद में आता हूं। उसके बाद जो मुझे पोजीशन दिखानी थी उस पे मैं चला गया।
यू कैन सी दैट, देखो उसी टाइप का एग्जाम्पल, प्रोपेन वन ऑल एंड प्रोपेन टू ऑल, उसकी चेन सेम रहती है, तीन तीन कार्बन की, डिफरेंस कहां पे, OH की पोजीशन पे, तो उसको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, इट्स नॉट चेन आइसोमर्स, दैट्स द डिफरेंस। ओके चलो हम पोजीशन को थोड़ा और डिटेल में यहां से देखते हैं। पोजीशन आइसोमर्स इज शोन बाय द कंपाउंड्स इन विच देर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ अटैचमेंट, डिफरेंस कहां पे, पोजीशन पे, अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नॉट ओनली दैट, ओके कहीं पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होगी, कहीं पर डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग होगी, कहीं बार सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच की पोजीशन अलग होगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेम चेन लेंथ। कार्बन की चेन के अंदर कोई चेन नहीं होना चाहिए, वो इक्वली होनी चाहिए, दोनों की पोजीशन बोलेंगे सेम चेन लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स। का मतलब क्या हो गया, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव द सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं होना चाहिए, अगर OH है तो OH ही होना चाहिए सब जगह पे, तो ही उसको पोजीशन बोलेंगे, तो ही उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। फॉर एन एग्जांपल वी हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7X, तो X को हमने फर्स्ट कार्बन पे भी डाला एंड सेकंड कार्बन पे भी डाला, X कैन बी एनीथिंग, इट मे बी हैलोजन हो सकता है, इट मे बी अमाइन हो सकता है, इट मे बी अल्कोहल हो सकता है, इट मे बी अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, इथर वाला ग्रुप, उसको इथर बोलते हैं, ओके आई डोंट नो आप लोगों ने वो पढ़ाई किया कि नहीं, आप तीनों ने, ओके नहीं करवा देंगे डोंट वरी, बट बाकी लोग को तो मैंने इथर पढ़ाया, ओके अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 वन क्लोरोप्रोपेन, अगेन चेन तो इक्वल नंबर रही बट पोजिशन ऑफ क्लोरिन इज 2 क्लोरोप्रोपेन। देन वी हैव, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, प्रोपेन वन ऑल एंड प्रोपेन टू ऑल, ये आइसोमर्स। देन 1, 2, 3 फर्स्ट नंबर पे नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन, ये सेकंड नंबर पे, अच्छा सेकंड सी एच पे कैन यू सी 2CH3, देन आइसो बढ़ जाता है आइसो प्रोपाइल अमाइन, करेक्ट ऑनर, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। अनदर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, देयर इज ब्यूटीन का फॉर्मूला, ब्यूट पे वन नंबर पे डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, वन ब्यूटीन या तो ब्यूट वन इन, एंड यहां पे सेकंड नंबर पे तो ब्यूट टू इन, करेक्ट ना, तो दिस इज पोजीशन आइसोमर्स, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिस इज सेकंड पोजीशन आइसोमर्स। ओके बीच में मैंने एक छोड़ा उसको मैं ले लेता हूं, That is a ring chain isomers, यहां पे isomers है, that means they should have the same molecular formula, but difference किस में, in carbon chain और ring के बीच में। यहां पे एक example दिया, जरा ध्यान से देखेंगे हम, compound है C4H8, क्या है आपके पास C4H8, उसको अगर आप लिखते होते ऐसा 1, 2, 3, 4, ये हुआ ब्यूट वन इन, ओके इसका दूसरा आइसोमर हमने ये भी सीखा, इसको बोलते हैं ब्यूट टू इन, इसको रिंग चेन नहीं बोलेंगे बाय द वे, ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, व्हाई, यू पोजीशन में फर्क है, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन। अभी मैं वो नहीं सिखा रहा, वो तो सिखा चुका हूं मैं, अभी जो मैं सिखा रहा हूं वो कुछ और सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है, C4H8, दूसरा एक कंपाउंड बनता है जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट करता है लाइक दिस, इसका नाम आएगा साइक्लो, और इसको लाइन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो दैट हर एक कार्बन की जगह क्या कर दोगे, तो ये स्क्वायर, ओके ज्योमेट्री में स्क्वायर बोलोगे आप, बट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, वो क्या है, साइक्लोब्यूटेन, चार नंबर देने का 1, 2, 3, 4, सो इस साइक्लोब्यूटेन। ये दोनों के अंदर फॉर्मूला सेम है, कौन सी फॉर्मूला, C4H8, लेकिन एक जो है वो चेन में जुड़ा है, ओपन चेन, और दूसरा वाला कैसा है, साइक्लिक यानी कि रिंग है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स, क्या बोलेंगे इनको, समझ में आ रहा है आपको, और एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी में,
सपोज आपके पास दिया है ब्यूटाइन, ओके, फॉर्मूला बनेगा C4H6, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 ट्रिपल बोन मैंने यहां पे लिया, तो ये C4H6 बता रहा है, इसको बोलेंगे ब्यूटाइन, ये चेन हो गया। इसका रिंग कैसे बनता मालूम है? ऐसे इसके अंदर भी 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है, यही फॉर्मूला है, और इसका नाम है साइक्लो ब्यूटीन। इसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। चेन में अगर ट्रिपल होगा ना तो रिंग में वो डबल बन जाएगा, चेन में अगर डबल है तो रिंग के वो अंदर सिंगल बन जाएगा। साइक्लो अल्केन एंड अल्किन का रिंग चेन होता है, साइक्लो अल्किन एंड अल्काइन का रिंग चेन होता है। रिंग चेन में आपको अभी के लिए मैं दो टाइप के बताए, साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन का, यह है रिंग और यह है चेन। उसी तरीके से साइक्लो अल्कीन होगा अगर, देन आपके साथ यहां पे क्या आएगा, अल्काइन, बराबर है कि नहीं? ये एक एग्जांपल एक्स्ट्रा लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं ऊपर वाले को, और ये नीचे भी लिखो, अगर ये ड्रॉ करना है बाजू में इसके लिए तो कर दो। आई बिलीव आप लोगों ने इसको लिखा, सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव पोजिशन आइसोमर्स, बट आई थिंक सो आईड एक्सप्लेन यू पोजिशन आइसोमर्स, ओके, सो वील गो फॉर द टू मोर आइसोमर्स, इनफैक्ट 3 एक्चुअली। हम पढ़ाई करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स ध्यान से समझिए, अगेन दे शुड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तभी तो आइसोमर्स बोलते हैं। बाय द वे आइसोमर्स का पूरा नाम पता है आपको, आइसो का मतलब हुआ इक्वल या तो सेम, एंड मर का मतलब होता है यूनिट फॉर्मूला, ओके, आप लोग गुजराती में मरू मर नहीं प्लीज, ओके, ये मर का मतलब क्या होता है, ओके, यूनिट फॉर्मूला, जैसे कि पॉलीमर, बहुत सारे यूनिट फॉर्मूला, पॉलीमर भी बोलते हैं, मोनोमर, सिंगल यूनिट, लाइक दैट, सेम, ओके, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको समझाता हूं, हमारे स्टडी में अभी के लिए 3 है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड ईथर। मोनोहाइड्रिक का मतलब हो गया सिंगल OH वाला, एक से ज्यादा OH नहीं होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, एंड देन वी हैव ईथर, बराबर है कि नहीं? सी अल्कोहल एंड ईथर की बात कर रहे हैं, इसके बीच में आपको आइसोमर्स मिलेंगे, दूसरा मिलेगा आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, एंड तीसरा मिलेगा एसिड एंड एस्टर। मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखिए, अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला ये मिलता है CnH2n+2O, तो ऐसे कंपाउंड हमेशा आपको ये टाइप का फंक्शनल आइसोमर्स दिखाएंगे। देखो यहां पे C2H6O, इसके अंदर बैठ रहा है, कैन यू सी दैट, n की वैल्यू 2 डालो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 डालो, दैट मींस इसके पास अल्कोहल और ईथर का आइसोमरिज्म होगा। जैसे कि देखो C2H6O, CH3CH2OH, इसके अंदर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, वी कॉल देम इथाइल अल्कोहल। इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, CH3OCH3, उसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसमें OH है, इसमें ईथर है, बराबर है कि नहीं? बट दोनों एक ही फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कहीं भी आपके पास CnH2n+2O आता है, दैट मींस वो आपको फंक्शनल आइसोमर्स दिखाएगा, और किसके बीच में, अल्कोहल एंड ईथर के बीच में। अगर ये फॉर्मूला आता CnH2nO, क्या मिला आपको, देन वो अल्डिहाइड कीटोन दिखाता है। देखो यहां पे, ये CnH2nO, कैन यू सी दैट, It's fitting in that formula, CnH2nO. N का मतलब 3 कार्बन, 3 2 6, आपको कौन सा दिखाएगा, अल्डिहाइड, कैन यू सी दैट, CHO, CH3CH2O, CHO, प्रोपेनॉल, या तो कीटोन मिलेगा CH3CO, कीटोन, आर यू गेटिंग दैट, ओके, अनदर फॉर्मूला
CnH2nO2, देन वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर C3H6O2। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3, प्रोपेनोइक एसिड एंड यहां पे एस्टर। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ फ्यू अदर एग्जांपल्स। जरा ध्यान से देखो, C4H8O दिया आपको, तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में कौन से टाइप का है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये एक मिल सकता है, दूसरा मिलता है अल्कोहल एंड ईथर, और तीसरा कौन सा मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कैसे पता करें? सपोज आपको स्कूल में ऐसा पूछा गया, इसके आइसोमर्स ड्रॉ करो, तो सबसे पहले आपके पास तीन फॉर्मूला है, आप देखोगे कि क्या वो इसके अंदर सेट हो रहा है। चेक करो, एन मतलब कार्बन का कितना एन है, 4। इसके अंदर मैं 4 डालूंगा तो 4 × 2 = 8 + 2 = 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। है इसके साथ 10? नहीं है, मतलब ये और ये बैठ नहीं रहा है। अगर इसमें बैठता नहीं है फॉर्मूला में, तो आप अल्कोहल एंड ईथर लेते, इसमें बैठ ही नहीं रहा। देन व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला आई मेड यू राइट डाउन इज CnH2NO। क्या ये दोनों बैठ रहे एक के साथ? यस आई थिंक सो, C4H8। ओके, अगर इसमें बैठता है तो ये अल्डिहाइड कीटोन ही होगा। अच्छा, पहले ये डिसाइड हो गया, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने के, हमें अभी ये तो पता है कि एक अल्डिहाइड है, एक कीटोन है। अल्डिहाइड के लिए हमेशा एंड में CHO होता है, कहां पे होगा, एंड में। ओके, टोटल कार्बन कितने, 4, इसमें से एक मैंने ले लिया, अब बाकी कितने बचे, तो 3 ऐसे लिखूंगा, 1, 2 और 3, और फिर उसके हाइड्रोजन डालूंगा, जैसे कि इसने 2 बॉन्ड बनाए CH2, इसका भी क्या आएगा CH2, और इसका क्या आएगा, ये तो आपको, आप लोग को आता है, सिखाया गया हाइड्रोजन डालना, अब सबको सिखाया गया, बराबर कि नहीं। इसका नाम बन गया ब्यूटेनॉल। ओके, मेरा अल्डिहाइड खत्म हुआ, अभी किस में जाएंगे, कीटोन। कीटोन में हमेशा क्या रहता है मालूम है, CO बीच में रहता है और आजू बाजू कार्बन रहते हैं, टोटल 4 कार्बन है। मैंने एक बीच में CO डाला तो एक कार्बन इस तरफ डालता हूं और 2 इस तरफ डालता हूं। ओके, कीटो ग्रुप हमेशा किस में आता है, बीच में ही आता है। ओके, अल्डिहाइड हमेशा एंड में आता है। ओके, आफ्टर डूइंग दैट CH3 CH2 CH3 इसका नाम बनेगा Butane 2-1। करेक्ट है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप फॉर्मूला जब देते हैं ना, तो आपको देखने का कि ये तीन में से किसके साथ वो बैठ रहा है। सिंस यहां पे ऑक्सीजन एक था, तो इसके साथ तो नहीं बैठेगा, यहां पे ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसके साथ भी नहीं बैठा, हमने देखा वो इसी के साथ बैठा। ओके, मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपको ये दिया C5H12। ओके, बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो ठीक है, C4H12O, C4H12 नहीं, H10 क्या दिया। तो अब देखो क्या इसके साथ बैठ रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अल्कोहल एंड ईथर, बराबर है कि नहीं। तो देखो 4 कार्बन है, अल्कोहल तो आप यहां पे भी लगा सकते हो, इवन यू कुड हैव पुट इट एनीवेयर हियर, यहां पे भी लगा सकते थे। ओके, जस्ट सिंपलिस्टिक मैंने एंड पे लगा दिया। ओके, ये वाला निकल जाएगा, तो ये आपका अल्कोहल बना, फिर हाइड्रोजन लगा दो CH3 CH2 CH2 CH2। ओके, उसका नाम आएगा Butane 1-all, क्या आएगा। ओके, ईथर में एक ओ बीच में ही आता है। ओके, और आजू बाजू हम कार्बन लगाएंगे, टोटल कार्बन 4 है, मैंने ओके एक काम किया, दोनों साइड 2-2 लगा दिए, जरूरी नहीं दोनों साइड 2-2 लगाओ, आप दोनों साइड पे एक एक और एक साइड पे 3 भी लगा सकते हो। फिर हाइड्रोजन लगाऊंगा मैं, इसका नाम है इथोक्सीथेन, वी हैव लर्न दैट। ओके, अगर ये वाला करते मिथॉक्सीप्रोपेन बनता,
लास्ट बट नॉट लिस्ट फंक्शनल ग्रुप में, और एक बाकी रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ओके, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखा चुका हूं इसका, क्यों एसिड एंड एस्टर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सी एन एच टू एन ओ टू। उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया हमें, सी थ्री एच सिक्स ओ टू, करेक्ट ऑन। ये देखो ये फॉर्मूला में बैठ रहा है, सी एन एच टू एन ओ टू। ओके, पहले मैं इसका ये सिखा देता हूं कि कैसे करेंगे। उसके अंदर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आता है। कैन यू सी द कार्बोक्सिलिक एसिड, वन टू थ्री, प्रोपेनोइक एसिड एंड एस्टर, सी ए थ्री सी ओ ओ सी ए थ्री। इसको बोलेंगे मिथाइल एसिटेट, या तो मैंने आपको सिखाया हुआ है मिथाइल इथेनोएट। मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। वही फॉर्मूला वापस ले रहा हूं, सी फोर एच एट ओ टू। क्या दिया आपको, सी फोर एच, जब भी ये आता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। एंड दूसरा होना चाहिए इस एस्टर, बेटा नॉट ईस्टर, ईस्टर इज क्रिश्चियन फेस्टिवल, इट्स एस्टर। क्या नहीं, कौन बोला मुझे पता है, डोंट डिस्कस दैट। ओके, सी फोर एच एट ओ टू आया, तो करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH तो कंपलसरी है, वो एंड पे ही लगता है। टोटल चार कार्बन कितने मैंने ले लिए, एक, बाकी कितने बचे, फिर हाइड्रोजन लगा दो तो इसका नाम बनेगा ब्यूटेन वन ओइक एसिड। ठीक है, एस्टर में क्या करना होता मालूम है, उसमें COO कंपलसरी है, ये एस्टर है। देखो मैं आपको सिखा, अगर ईथर है ना तो ओ बीच में आर आर, उसको क्या बोलते हैं, ईथर। सीओ बीच में और आर आर, कीटोन। एंड अगर सीओओ बीच में और आर आर, एस्टर। तीनों में डिफरेंस ये है, समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट। एक में ओ बीच में खाली ओ तो ईथर है, सीओ तो कीटो है, एंड सीओओ तो बाकी दोनों साइड पे आर आर लगेगा ही। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर एस्टर मुझे करना है तो अभी मैंने क्या कर दिया, सीओ बीच में लगाना, सीओओ। टोटल कार्बन कितने थे, सी फोर, चार कार्बन है, मैंने एक को यूज कर लिया तो तीन लगाने बाकी है, तो मैं तीन इस तरीके से लगा देता हूं। ये हमारा सीओओ पहले से लगा हुआ था। ओके, इसका नाम है इथेनोएट, इसका नाम है इथाइल। आई टोल्ड यू अर्लियर इन मच डिटेल कि आईयूपीएक नेम इसको कैसे दिया जाता है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ सकते हो बाद में। तो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स अलग अलग मिल रहे हैं, बराबर है कि नहीं, आर यू गेटिंग दिस। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज ओवर देयर। नाउ वी हैव अ स्पेशल आइसोमरिज्म दैट इज नोन एज मेटामरिज्म। मेटामर्स के अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज फाउंड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। लेट मी एक्सप्लेन यू, आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि ये, बीच में ओ आया तो क्या बोलेंगे उसको, इथर। ओके, उसके लेफ्ट में दो कार्बन वाला इथाइल ग्रुप है, राइट में भी क्या है, दो कार्बन वाला इथाइल ग्रुप, ये उसका फर्स्ट आइसोमर। अभी जरा ध्यान से देखो, ये सेकंड में ओ ये रहा, उसकी लेफ्ट में कितना कार्बन है, वन, और राइट में कितने, ठीक। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फर्क दोनों में क्या, देखो कार्बन इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है, फर्क कहां पे, दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ओ, ओ के आजू बाजू जो नंबर ऑफ कार्बन है वो अलग हो रहे हैं, देन दे आर नोन एज मेटामर्स। ओके, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब हो गया उसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, इथर है तो इथर ही है दोनों के अंदर, फर्क क्या है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इधर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो इधर साइड मतलब दोनों साइड से, उसमें फंक्शन का कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये आता है ईथर के अंदर,
इसको बोलते हैं दोनों साइड पे इथाइल था इसलिए डाई इथाइल ईथर या तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर. इज दिस अंडरस्टूड? ओके वन मोर. अमाइंस, मैंने आपको अमाइन के बारे में सिखाया, सेकेंडरी अमाइन है. एनएच की दोनों साइड पे देखो इथाइल है, एनएच की एक साइड पे मिथाइल और दूसरी साइड पे प्रोपाइल. ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों को मेटामर्स बोलते हैं. इस नीदर पोजिशन नोर चेन, इसको चेन भी नहीं बोलेंगे, नोर फंक्शनल ग्रुप. ओके, रिंग चेन भी नहीं है. ये कौन सा है? मेटामर्स. फंक्शनल ग्रुप बीच में होता है और आगे आजू बाजू में अलग अलग रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मेटामर्स. ओके, ईथर्स में एंड अमाइंस में, सेकेंडरी अमाइंस में देखने को मिलता है. लास्ट वन विच इज नोन एज टोटोमर्स. लास्ट वन क्या मिलेगा? टोटोमर्स. ओके, अभी मैंने इसमें काफी सारी चीजें नहीं सिखाई हुई है, वो आगे आने वाला है. डोंट वरी, मैं वो चीज जब सिखाऊंगा तो इसको वापस में टोटोमर्स वापस सिखाऊंगा, बट अभी के लिए टोटोमर्स जरा समझते. उसमें हम जो पहला टोटोमरिज्म सीख रहे इज नोन एज किटो इनोल टोटोमस. क्या है इसका नाम? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमर्स आते हैं, बट वी आर स्टडिंग हमारे सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस में एक ही है अभी के लिए. ओके, बाकी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. नॉर्मली व्हेन द टोटोमर्स एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स कंटेनिंग एक फॉर्म में कीटोन ग्रुप और दूसरा होगा इनोल, का मतलब क्या होता है मालूम है? इन का मतलब डबल बोन एंड ऑल का मतलब अल्कोहल. डबल बोन एंड अल्कोहल कंबाइन होगा तो हम इनोल. एक में कीटोन ग्रुप होगा और दूसरे में क्या होगा? इनोल. ओके, इसको कीटो इनोल टोटोमरिज्म बोलते हैं. डिस्कवर्ड बाय द नोर करके साइंटिस्ट थे, वो सूप वाले नहीं. ओके, उन्होंने पहली बार ये निकाला था एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर, उन्होंने देखा होता. मैं आपको बताऊंगा कहां पे देखा था उन्होंने. ओके, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया, कीटो मींस कीटोन होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इनोल मीन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल. देखो मैं आपको समझाता हूं, दो आपको कंपाउंड मिलेंगे, एक में ये जरूरी होगा, इसको कीटो ग्रुप बोलते हैं. एक में क्या होना जरूरी है तो उसको ना हम क्या नाम देंगे? कीटो फॉर्म वाला. दो कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड में ये होना जरूरी है और दूसरे के अंदर डबल बॉन्ड यानी कि इन एंड ओएच जिसको हम बोलेंगे, दूसरे में ये होना जरूरी है. दूसरे में ये होना जरूरी है, एक में कीटो और दूसरे में क्या होगा? इनोल. एक्चुअली होता क्या, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे. थोड़ा सा मैं इसका, हाँ, कीटो इनोल. कीटो ग्रुप में ये कार्बन, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटो ग्रुप. उसके बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. आई टोल्ड यू दैट फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले को क्या बोलेंगे? अल्फा. अल्फा कीटो के बाजू में अल्फा होना, कार्बन होना जरूरी है. खाली अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है. ये कार्बन के ऊपर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा वो चलेगा, बट इट शुड हैव एटलीस्ट वन. तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. व्हाट डू वी कॉल इट? अभी होगा क्या मालूम है, जब कीटो और अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के नजदीक में होते हैं तब ये एच यहां पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा. ध्यान से देखो, ये एच यहां पे गया तो ये क्या बन जाएगा? कैन यू सी इट बिकेम ओ एच. एंड ये डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा तो कैन यू सी, तो ये क्या बना? इन ऑल. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमर्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटोमर्स. ओके, वो सब टोटोमर्स हमें नहीं सीखने हैं, हमें अभी पहला एक ही सीखना है कीटो इनोल. दूसरे टोटोमर्स में क्या होता है मालूम है? ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये वापस इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये वापस इसमें कन्वर्ट होता है. उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. उसको क्या बोलते हैं? डिस्कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आते हैं. ओके, और दूसरे टोटोमर्स में दे आर दोनों फॉर्म एक साथ रहेंगे, इंडिविजुअल कोई भी नहीं होगा. एक अकेला कीटो इनोल ऐसा है कि दोनों फॉर्म इंडिविजुअली स्टेबल हो सकते हैं. इनोल भी अकेला रह सकता है, कीटोन भी अकेला रह सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहना जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा इसलिए ऐसा एरो है. कीटो इनोल में कन्वर्ट होगा और इनोल कीटो में. जब इनोल कीटो में होगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा
और H वापस इसके पास चला जाएगा, लाइक दिस। ओके, मैंने यहां पे नोट लिखी हुई है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द इनोल इज अ रियल सब्सटेंस केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट अ रेजोनेंस फॉर्म ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कीटोन का वो रेजोनेंस फॉर्म नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल कंपाउंड की तरह रह सकते हैं, बाकी सब में कीटो इनोल के अलावा भी काफी सारे टोटोमर्स होते हैं। ओके, एग्जांपल अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, पहले हम सेकंड नंबर का देखेंगे, कैन यू सी कीटो ग्रुप ओवर हियर, इसे कीटो ग्रुप बोलते हैं, कैन यू सी दैट कीटो ग्रुप। ओके, अभी क्या होगा मालूम है, इसके अल्फा हाइड्रोजन मतलब बाजू वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उसके वाला हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, दैट विल शिफ्ट हियर और ये भाई साहब शिफ्ट हियर, कैन यू सी दैट, ये डबल वन बन गया, ये सी एच टू बन गया सी एच थ्री की जगह पे, एंड ये क्या बन गया OH, तो दिस इज इनोल फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म, ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टोटोमर्स, कीटो इनोल टोटोमर्स। ओके, और जो मिस्टर नोर ने देखा था सबसे पहले, ओके, वो वाला एसिटो एसिटिक एस्टर नोर ने यहां पे देखा था, कैन यू सी ये कीटो ग्रुप है, उसके बाजू वाला अल्फा कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट हियर एंड डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, यू कैन सी दैट हाइड्रोजन ये वाला यहां पे आ गया ओएच हो गया और डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये कीटो फॉर्म था और ये कौन सा है इनोल फॉर्म, मैंने कीटो इनोल ऊपर भी दिखाया, ये एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर मिस्टर नोर ने जो देखा था वो वाला, ही वाज द फर्स्ट पर्सन फाइंड, जरूरी नहीं कि हर बार कीटो हो, कीटो का कजिन जो है अल्डिहाइड, मैं उसको कजिन नहीं बोलूंगा बिकॉज कीटोन एंड अल्डिहाइड दोनों एक साथ ही जाते हैं, उन दोनों की केमिस्ट्री भी एक जैसी ही है, हमारे पर हम एक चैप्टर पढ़ाई करेंगे 12th स्टैंडर्ड में, उसका नाम ही है अल्डिहाइड कीटोन, दोनों को एक साथ ही पढ़ाई करेंगे, और तीसरा उसका कजिन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तीनों को साथ में लेते हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हेन आई एम टीचिंग यू गोइंग टू टीच यू दैट चैप्टर, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग समथिंग एल्स। तो अल्डिहाइड में भी ऐसा है, दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप, कैन यू सी दैट CHO, इट कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाजू में अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, हाइड्रोजन विल गो अप, तो क्या मिला आपको OH ऑक्सीजन के साथ गया और ये डबल बॉन्ड, ओके, यहां पे हाइड्रोजन गया लेकिन ओ को उन्होंने नीचे इस तरफ ड्रॉ कर दिया, फर्क नहीं पड़ता दोनों एक ही चीज है, ये इनोल है, इसको बोलते हैं इथिनोल, और इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल, ओके, कॉमन नेम भी है इसके विनाइल अल्कोहल एंड एस, ये कॉमन नेम है, सिंस आई नॉट टॉट यू कॉमन नेम येट आई एम गोइंग टू टीच यू आफ्टरवर्ड्स। सो ये था आइसोमरिज्म, ओके, इसके अलावा मुझे और एक आइसोमरिज्म सिखाना है आपको, वो है स्टीरियो आइसोमर्स, जो मेरी ये नोट्स के अंदर नहीं है, बट नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टीरियो आइसोमर्स सिखाऊंगा।